क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक अपने देश के अब तक के इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं और इंजमाम उल हक भारत के खिलाफ तो अक्सर रन बनाते ही थे, लेकिन अब इंजमाम ने भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को खुलेआम गालियां दे दी। जी हां, इंजमाम ने नाम लेकर कहा कि जिन भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ में खेला वो बेहद स्वार्थी थे। अब क्यों कहा ऐसा इंजमाम ने वो आपको बताते हैं और आप भी इंजमाम की इस घटिया हरकत पर जवाब जरूर दें और कमेंट जरूर करें। तो असल में इंजमाम उल हक पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान इंजमाम ने नाम लेकर भारतीय खिलाड़ियों पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि ये भारतीय खिलाड़ी स्वार्थी थे और इनसे ज्यादा स्वार्थी खिलाड़ी उन्होंने नहीं देखे। इंजमाम ने रमीज राजा से कहा कि हमारे दौर में भारतीय बल्लेबाजी कागजों पर बेहद मजबूत थी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी उनके आगे बेहद कमजोर। इंजमाम ने आगे कहा कि भारतीय खिलाड़ी शतक तो बनाते थे लेकिन सिर्फ अपने लिए और अपना शतक पूरा करने के लिए टीम को मुश्किल में डाल देते थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी 30 या फिर 40 रन बनाकर खेलते थे और पाकिस्तान को जीत दिलाते थे। इंजमाम ने नाम लेकर कहा कि सबसे बड़े स्वार्थी सचिन तेंदुलकर थे जो सिर्फ शतकों के लिए खेलते थे और सचिन के जैसा ही राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली भी किया करते थे। यहां तक इंजमाम उल हक ने वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी पर भी सवाल उठा दिए। इंजमाम ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के इसी रवैये की वजह से भारत की टीम अच्छी होने के बाद भी नहीं जीत पाती थी। हालांकि इंजमाम ने यह भी कहा कि धोनी के आने के बाद भारतीय क्रिकेट बदला है और विराट कोहली ने अब इसे पूरी तरह से बदल दिया है और अब भारत में स्वार्थी क्रिकेटर नहीं है। अब ऐसे में इंजमाम उल हक ने भारतीय दिग्गजों के खिलाफ बड़ी और बेहद गंदी बातें कर दी। अब आप भी इंजमाम को अपने ही अंदाज में जवाब जरूर दें और कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।